हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं घी मेल्ट होने लगा है। ये मैंने 1/2 कप सेवई ली है, तो सेवई को हम कढ़ाई में डाल देंगे। सेवई को मैंने कढ़ाई में डाल दी है। अब गैस की फ्लेम को स्लो करके हम सेवई को घी में भूनेंगे। तो सेवई को मैंने स्लो फ्लेम पर भून लिया है। देख सकते हैं सेवई का कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही में 1/4 कप शक्कर डाल देंगे। अब इसे हमें चलाते हुए पकाना है। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं। एक कटोरी ली है। कटोरी में हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। साथ ही में 1/4 कप दूध डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। दूध और कस्टर्ड पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो मिश्रण को मैंने स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार किया है उसे हम कढ़ाई में डालेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होने लगा है। तो फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसे हमें इतना ही पकाना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेते हैं और हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो इसे मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब डेजर्ट सर्व करने के लिए तैयार है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने 2 बाउल लिए हैं। बाउल में हम 1-1 चम्मच सब्जा के बीज डाल देंगे। सब्जा के बीज मैंने पानी में भिगो कर रखे थे, तो जो बीज हैं फूल गए हैं। अब हमने जो डेजर्ट बनाया है उसे हम बाउल में डालेंगे। इस तरह से हम डेजर्ट बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ये डेजर्ट फालूदा से कम नहीं है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जा के बीज और डेजर्ट अच्छे से मिक्स कर लें। ठंडा ठंडा सभी को सर्व करें। ये डेजर्ट सभी को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।